अच्छी तरह से इस बात को समझ लें और जानते भी हैं। अगर हम क्रिया योग विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं, उसके इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं, तो भले ही यहाँ बैठे रहें और रोज आएं, वर्षों आएं, लेकिन हम क्रिया योग नहीं कर रहे हैं। केवल परब्रह्म का अस्तित्व है, परब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। केवल अमर तत्व का अस्तित्व है, मृत्यु का अस्तित्व नहीं है। अगर इसे हम स्वीकार करके हम क्रिया योग अभ्यास नहीं करते हैं, तो भले ही हम यहाँ प्रतिदिन आए और जीवन भर आए, याद रखिए क्रिया योग का अभ्यास अधूरा होगा। आज से फिर हम सुनिश्चित कर लें, भले ही इस सच की अनुभूति न हो रही हो कि केवल परब्रह्म का ही अस्तित्व है, अभ्यास करते जाएं, एक दिन अनुभव होगा। ठीक उसी तरह से अगर हमें न्यूरोसर्जन बनना है कि कैसे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी करें, इसके लिए हम मेडिकल कॉलेज जाते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं और न्यूरोसर्जन बनने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं। न्यूरोसर्जन बनने के बाद भी गारंटी नहीं है कि सर्जरी पूरी तरह से आती है। तो याद रखिए, जब मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो विश्वास है कि हम जो पढ़ रहे हैं किसी ने पढ़ा है। हम न्यूरोसर्जन बनने जा रहे हैं, कोई न्यूरोसर्जन है तो एक आशा लगी है कि हम होंगे। ठीक वैसे ही हम ही मानव के रूप में पैगंबर हुए हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, ईसा और बुद्धा, इस युग में लाड़ी महर्षि और वे सारे भी शिष्य, उनके सभी शिष्य जो लाड़ी महर्षि के स्तर पर पहुंच गए, वे सभी पैगंबर हैं। जब कोई भी इस रूप का मानो, जिसका रूप हम जैसा ही हो, अगर पैगंबर बन गया तो हम भी बनेंगे। जैसे अगर कोई मनुष्य न्यूरोसर्जन बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं। इस बात को समझते हुए आप अभ्यास करते जाएं। जो हम अभ्यास करा रहे हैं, ठीक यही अभ्यास परमहंस योगानंद ने कराया है। परमहंस योगानंद अभ्यास करते करते पैगंबर के रूप में प्रकट हो गए। आप भी अभ्यास करते करते उस रूप में आ जाएंगे। तो ये सुनिश्चित है कि क्रिया योग विज्ञान एक पूर्ण विज्ञान है, ये पूर्ण शिक्षा है। अगर इसके अभ्यास में पूरी तरह से लग गए, पूरे मनोयोग से लग गए, तो याद रखें सुनिश्चित है कि इसी जन्म में हम पैगंबर बन जाएंगे।